Good morning, students. हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी कोयला संसाधन के बारे में, पेट्रोलियम संसाधन के बारे में, और खनिज संसाधनों को डिस्कस करने के बाद हम आगे बात कर रहे हैं राजस्थान में जनसंख्या के बारे में, कि राजस्थान का जो पॉपुलेशन स्थिति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन रिसोर्सेज के बारे में किसी भी क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र हो, उसका जो आर्थिक विकास है वो उस क्षेत्र के जो मानव संसाधन होता है उसके ऊपर ही आधारित होता है, और जनसंख्या संसाधन मानव संसाधन के अंतर्गत ही आती है। मानव ही प्राकृतिक साधनों का उपयोग करता है, इसीलिए क्या होता है कि राज्य का मानव संसाधन है उनका अध्ययन और उनका जो है
ये अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान में अगर जनगणना की बात की जाए तो 2001 की जो सेंसस है यानी कि जनगणना है उसके आधार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या 686.210 लाख है, जो राजस्थान से लगभग 342,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर फैली हुई है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो 10.41% आता है, यानी कि देश का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 10.41% क्षेत्रफल राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है, जिसमें देश की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 5.5% से अधिक भाग जनसंख्या का निवास करता है, यानी कि पूरे देश की जो जनसंख्या है उसका लगभग 5.5% भाग अकेले राजस्थान राज्य के अंदर निवास करता है। जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो भारत के जो अन्य राज्य हैं उनमें राजस्थान में जो 81 से 91 यानी कि 90 का जो दशक है उसके अंदर राजस्थान की स्थिति 15वें स्थान पर थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अब राजस्थान आठवें स्थान पर पहुंच गया है। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर और जनसंख्या का आकार और इसके क्षेत्रफल, ये क्या है कि जनसंख्या की जो असर होता है इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये मानव का जो जीवन स्तर है उसको प्रभावित करता है। पूरे राज्य के अंदर जनसंख्या के वितरण की बात की जाए तो ये वितरण एक समान नहीं पाया जाता है। राज्य के अंदर जो जनसंख्या का औसत घनत्व है वो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान इज 201, यानी कि राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है उसका जो जनसंख्या का औसत घनत्व है वो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। और इस घनत्व के संदर्भ में देश के अंदर राजस्थान 24वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और सिक्किम, ये जो राज्य हैं ये ऐसे राज्य हैं जहां पर राजस्थान राज्य से भी कम मात्रा में जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। राजस्थान जनसंख्या का औसत घनत्व जो है वो कम पाया जाता है, जिसका कारण क्या है कि राज्य का जो पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग है ये अर्धशुष्क यानी कि सेमी एरिड और एरिड जलवायु का क्षेत्र है, जहां पर जनसंख्या कम मात्रा में निवास करती है, क्योंकि विपरीत स्थिति है जलवायु की यहाँ पर। और इसी क्षेत्र में जो जलवायु है वो स्थायी परिवर्तनशील होती है, और इसी क्षेत्र में जहां पर अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु का विस्तार पाया जाता है उस प्रदेश में स्थायी और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के सैंड ड्यून्स यानी कि बालू का स्तूप वहां पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में।
पूरे राजस्थान राज्य के अंदर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का वो डिफरेंट है, अलग-अलग है, जिसके कारण ये हो सकते हैं कि वो किस प्रोफेशनल जो है वो एक समान नहीं है। इसीलिए राजस्थान राज्य के अंदर जो जनसंख्या का बैलेंस है वो भी अलग-अलग पाया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो प्रभाव करने वाले कारक है, उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं उच्च आवाज के बारे में, यानी कि ग्रीन फीचर्स के बारे में। किस तरीके की सरफेस है आपका उसके बारे में, तो राजस्थान राज्य के बारे में से हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि राजस्थान राज्य के अंदर सभी प्रकार के स्थलों का विकास हुआ है, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो प्लेटू के रूप में हो, चाहे वो प्लेन्स के रूप में हो, चाहे वो माउंटेन हिल्स के रूप में हो, यानी कि राजस्थान के अंदर पर्वतीय, पठार, मैदानी और मरुस्थलीय भूमि सभी प्रकार के स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है जनसंख्या को प्रभावित करने में। राजस्थान राज्य के जनसंख्या का जितना है इसमें जो लैंडस्केप है, जो भूआकृतियां हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या के जो बड़े बड़े केंद्र हैं वो मुख्य रूप से कहाँ पर, मैदानी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। जिनसे मैदानी क्षेत्रों के अंदर ही जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर समतल धरातल होने के कारण और मैदानी क्षेत्र होने के कारण, यानी कि उपजाऊ भूमि होने के कारण वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति अच्छी होती है, यानी कि जल की सुविधा वहां पर अच्छी है, तो वहां पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक पाया जाएगा। जल की पर्याप्त आपूर्ति, उपजाऊ मिट्टी और खाद्यान्न का प्रोडक्शन होता है, ये सभी ऐसे कारक हैं जिनके कारण जनसंख्या का जमाव प्रभावित होता है। जहां पर ये सुविधाएं नहीं होती है वहां पर जनसंख्या का जमाव नहीं पाया जाएगा, और जिस स्थानों पर ये जनसंख्या का जमाव इस तरीके की स्थिति होती है, अनुकूल स्थिति, चाहे वो जल की आपूर्ति से संबंधित हो, चाहे वो खाद्यान्नों के उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो उपजाऊ मिट्टी के रूप में हो, कोई भी कारक सबसे प्रभावित होता है। राज्य के अंदर जनसंख्या का जो केंद्रीकरण है वो मुख्य रूप से अरावली दिशा में, जो मैदानी क्षेत्र स्थित है वहां पर नदी घाटियों में और अरावली के पूर्व में, मैदानी क्षेत्र की जो नदी घाटियां हैं अरावली के पश्चिम में लूनी बेसिन और उप पर्वतीय जो क्षेत्र है, इसकी जो समतल भूमि है वहां पर मुख्य रूप से राजस्थान में जनसंख्या का अधिक केंद्रीकरण पाया जाता है, यानी कि अधिक जनसंख्या का वहां पर जमाव पाया जाता है। साधारण रूप में मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो ट्रांसियोनल की चीजें हैं वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व अधिकतम पाया जाता है, और जिससे स्पष्ट क्या होता है कि ये क्षेत्र श्रेष्ठ खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र भी है, यानी कि यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादक के क्षेत्र में इस क्षेत्र के अंदर अधिक होते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का जमाव भी अधिक है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र भी इस क्षेत्र के अंदर सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी सघन जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये निम्न भूमि के क्षेत्र हैं जहां पर जल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती है। मिट्टी जो है इस क्षेत्र की वो कैसी है, वो उपजाऊ मिट्टी के रूप में है, जिससे यहाँ पर गेहूं और जौ की कृषि आसानी से की जाती है। इसी ये सुविधाएं होने के कारण जनसंख्या का जमाव अधिक मात्रा में, जबकि पश्चिमी रेतीले मैदान की बात की जाए तो यहाँ के जो अधिकांश भाग है वहां पर शुष्क दशाओं का विकास हुआ है, शुष्क दशाएं पाई जाती है, जिससे जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है। लूनी बेसिन क्षेत्र है इसका जो पश्चिमी भाग है वहां पर जनसंख्या कम मात्रा पाई जाती है, जबकि लूनी बेसिन क्षेत्र के अंदर पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में जनसंख्या का जमाव अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा कारण जो है वो आता है यहाँ पर वर्षा के रूप में।
पूर्वी ओर और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगातार बढ़ता जाता है। राजस्थान के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कि जैसलमेर जिले के अंदर, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर सबसे कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य का सबसे शुष्क भाग है। यहाँ जो वर्षा की मात्रा होती है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पर जल की सुविधा नहीं है। जल की कमी के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। और इसीलिए विपरीत जो दक्षिणी पूर्वी जिले हैं जहाँ पर झालावाड़ जैसे जिले जिसमें उत्तरी पूर्वी प्रदेश की तुलना में भारी वर्षा की प्राप्ति इन क्षेत्रों में होती है और इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ जनसंख्या जहाँ वर्षा की मात्रा कम है वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी कम होगा, जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है वहां पर जनसंख्या का डेंसिटी जो है पॉपुलेशन का ये अधिक पाया जाएगा। इसी तरीके से दक्षिण दिशा में जो अरावली और मध्य किनारे हैं उसके ऊपर डूंगरपुर में लगभग 90 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही इसका जो धरातल है वो पश्चिम दिशा में कैसा है, पहाड़ी है, ऊपर टॉपर है, ऐसा पर धरातल के रूप में है, लेकिन वर्षा की अधिकता है इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो लगभग 368 तक पाया जाता है। यानी कि डूंगरपुर के अंदर वर्षा की मात्रा अधिक है लेकिन धरातल की विपरीत स्थिति है, उसके बाद भी यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत अधिक पाया जाता है और केवल लगभग 368 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसी तरीके से उदयपुर की स्थिति की बात की जाए तो वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व लगभग 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक होता है। इस तरीके से ये स्थिति है जिससे जनसंख्या का घनत्व प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद में अधिवास सेटलमेंट्स। अधिवास की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान में जो मारवाड़ का शुष्क क्षेत्र है जिसे मारवाड़ का शुष्क मैदान बोला जाता है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। इस पूरे प्रदेश के अंदर वर्षा की मात्रा क्या है, कम होती है और जलवायु की जो दशाएं हैं वो यहाँ पर अनुकूल नहीं होती है, यानी कि वर्षा की भी कमी पाई जाती है, इसके साथ ही यहाँ पर जो जलवायु की दशाएं हैं, क्लाइमेट जो इस एरिया के अंदर पाया जाता है वो कैसा है, बिल्कुल कठोर है, अनुकूल स्थिति में नहीं है। धरातल की आकृतियां वायु के द्वारा निर्मित की हुई होती है, यानी कि बालू के रूप में जो बालू कटक के रूप में इनकी निर्मित होती है और जल प्रवाह जो है इस प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से कैसा होता है, आंतरिक होता है, यानी कि यहाँ पर जल प्रवाह का भी उतना अधिक विकसित स्वरूप नहीं पाया जाता। इन सबके बाद भी राज्य के जो दूर वाले क्षेत्र हैं, दूरस्थ भाग हैं, वहां पर भी मनुष्य ने अपनी अधिवास बनाने में भी सफलता पाई है, यानी कि अधिवासों की स्थिति की बात कर रहे हैं। इन सभी विपरीत स्थितियों के बाद भी राजस्थान राज्य के अंदर दूर क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं, दूर के जो भाग हैं, वहां पर भी मानव समुदाय के द्वारा अधिवासों का निर्माण किया गया है और उन्हें सफलता पाई गई है। स्थिर स्तूप वाले जो क्षेत्र है वहां पर जो जनसंख्या का स्थिति है वो अधिक घनत्व को दर्शाती है, जैसे 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो औसत घनत्व है वो 17 की तुलना में कहीं अधिक है। ये जैसलमेर के अंदर क्या औसत घनत्व है, 17, लेकिन इन्हीं क्षेत्र में कुछ स्थिति ऐसी है जहां पर जनसंख्या का घनत्व 78 तक है। रेलमार्ग जो है ये बाड़मेर से लेके वीरमलाई तक फैले हुए हैं। इसी क्षेत्र के जो छिछले बेसिन है उनसे भी कुछ मार्गों की स्थिति बनती है। इस तरीके से ये सारी स्थिति है जिससे यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है वो प्रभावित होता है। तो ये मुख्य कारक है
जिनसे जनसंख्या का घनत्व राजस्थान के अंदर प्रभावित तो होता है। इसके बाद में आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जनसंख्या के वितरण के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार राजस्थान की जनसंख्या लगभग 686.210 लाख है, यानी कि लगभग 68 करोड़। छह करोड़ 86 लाख
जनसंख्या है राजस्थान राज्य की? ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या 686.210 लाख है, यानी कि 6,86,00,000 ये जनसंख्या राजस्थान राज्य की है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में इसका वितरण अलग अलग पाया जाता है। राजस्थान के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है उसमें बात करें हम तो राजस्थान राज्य की जो भूगर्भिक संरचना है उसके द्वारा राजस्थान के अंदर जो धरातल की स्थिति है, उच्चावों की स्थिति है, उसके द्वारा जलवायु के द्वारा प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा कृषि क्षमताओं के द्वारा इन सभी कारकों से राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वो प्रभावित होता है। सामान्य रूप में आरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान राज्य के लगभग मध्यवर्ती क्षेत्रों से गुजरती है, इससे पश्चिम और उत्तर पश्चिम यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होता चला जाता है, जबकि इसके पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि अरावली पर्वतमाला के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होता चला जाता है और इसके नॉर्थ जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो जगह है वहां पर इसका जनसंख्या घनत्व क्या है बढ़ता चला जाता है। पूर्व दिशा में नदी गांवियों और उत्तरी पूर्वी मैदानों में सतत जनसंख्या का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। नदी गांवियों में अरावली पर्वत की ओर जाने वाले और जहाँ कहीं पे भी पहाड़ियां हैं वो बीच में आ जाती है, जिससे सतत जनसंख्या की सघनता का जो क्रम है वो टूट जाता है। इसी तरीके से अरावली प्रदेश में जनसंख्या का जो केंद्रीकरण है ये कुछ उपजाऊ भूमि क्षमता की सीमित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का अधिकतम जनसंख्या इसके पूर्वी और उत्तरी भागों में निवास करती है। मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या विकृत जल स्रोतों के चारों तरफ केंद्रित रूप में दिखाई देती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जल की सुविधा, उत्तम खेती और भूमि यानी कि उपजाऊ मिट्टी और सघन जनसंख्या के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, यानी कि जहां पर जल की मात्रा पर्याप्त हो, उपजाऊ मिट्टी हो, वहां पर साधारण सी बात है कि जनसंख्या भी कैसी होगी, सघन होगी, वहां जनसंख्या का जो जमाव है वो कैसा होगा, अधिक होगा। तो कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जल की सुविधा उपलब्ध हो, उपजाऊ मिट्टी का विस्तार हो और इन दोनों स्थितियों में मिलने पर जो जनसंख्या की स्थिति होगी वो कैसी होगी, सघन होगी, यानी कि उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाएगा। राजस्थान राज्य की जो 70% जनसंख्या है वो मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है, इसलिए कृषि प्रधान जो क्षेत्र है ये औसत से अधिक घने बसे हुए क्षेत्र के रूप में है। न केवल राज्य की नदी घाटियों के मैदानों में बल्कि राज्य के जो उत्तरी भाग है वहां पर भी जनसंख्या इस अनुकूलता के कारण अधिक मात्रा में पाई जाती है। कृषि की सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि होने लग जाती है, तो इस तरीके की स्थिति है, तो जिससे हम कह सकते हैं कि जल की सुविधा, उत्तम खेती की सुविधा जैसे उपजाऊ मिट्टी है और सघन जनसंख्या ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि उपजाऊ मिट्टी होने के बाद भी यदि जल की आपूर्ति नहीं है
तो भी कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। ये तीनों जब उपलब्ध होंगे तभी जनसंख्या का प्रभाव और उत्तम अनुकूल रचनाएं वहां पर विकसित हो पाती है। तो ये बात थी अपने इस क्लास के अंदर जनसंख्या वितरण के संबंध में। बाकी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगे